और अब बात क्रिकेट। मुलुंड के नेहस नगर इलाके के लोगों की रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि बीएमसी ने इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। सालों से ही ये लोग यहां पर रह रहे हैं और अब परेशान हैं कि आखिर अब ये जाएं तो जाएं कहां। बीएमसी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते ये मुलुंड के नेहसर नगर इलाके के लोग हैं, बीएमसी हाय हाय, जिनका आरोप है कि बीएमसी उनके साथ अन्याय कर रही है। उनका कहना है कि वे सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के पक्के कागजात भी हैं, फिर भी बीएमसी ने उन्हें 29 घंटे के अंदर इन झोपड़ों को खाली करने का नोटिस दे दिया है, जिसके बाद उनकी नींद उड़ गई। अभी तो नोटिस दिया है तोड़ने के लिए, 24 घंटे में खाली करो, अभी निकल जाओ इधर से, नहीं तो हम सब लेके जाएगा म्युनिसिपैलिटी। तो क्या मांग करती हैं? घर के बदला घर मांगता है, दुकान का बदले दुकान मांगता है, ऐसा बोला। नहीं दिया तो हम उसके पास जाके रहेगा, उनके घर पे रहेगा हम सब आदमी मिल के, बच्चा वो लेके जाएगा, छोटा छोटा बच्चा बिच्चा। हम लोग 1980 से यहाँ पर है और बचपन हमारा यहाँ पर ही गुजरा है। अभी बीएमसी आके बोलते हैं कि ये हमारा इलीगल है और हमको यहाँ से निकल जाने के लिए बोल रही है। मेरे डैडी यहाँ बहुत पहले से ही है, तो हम यही चाहते हैं कि हमको घर के बदले घर मिले और दुकान के बदले दुकान मिले। इनके झोपड़ों को बचाने के लिए कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेता भी मैदान में उतर आए हैं। अब इस मामले में राजनीतिक रंग छाने लगा है। दो दिन पहले बीएमसी ने इनको 48 आवर्स में पूरा झोपड़ा घर जो भी है खाली करने का नोटिस दिया हुआ है और अभी उस नोटिस को हम लोग पूरा जोरदार विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है ये सभी लोग लीगल है और इनको घर के बदले घर और जिनका दुकान है उनको दुकान के बदले दुकान दो, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से है वो हिसाब से देना चाहिए। गौरतलब है कि ये झोपड़पट्टी पानी की पाइपलाइन से सटी है। अब बीएमसी पानी की पाइपलाइन का विस्तार करना चाहती है, लेकिन यहाँ के निवासी झोपड़ों को छोड़ने को तैयार नहीं। शमशाद अहमद के साथ नीरज शर्मा, सहारा समय, मुंबई। और बुलेटिन में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।